सो बोट निर्वाणा आयोन 23 मार्च को लॉन्च होने वाले हैं एंड काफी ज्यादा हाइप्ड अप है ऑलरेडी, लेकिन क्या वो लेजेंडरी ओप्पो एनको वर्स 2 से बेटर हैं? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई संवाददाता एडीपी के साथ एंड कैमरामैन वो भी एडीपी है। ओके, सो दोनों के जो प्राइस पॉइंट है वो काफी सिमिलर है। जो इनको वर्स 2 है वो 1800 रुपए में मिलते हैं एंड जो बोट निर्वाणा आयोन है वो 2000 रुपए में लॉन्च होने वाले। सो प्राइस पॉइंट मोर और लेस सेम है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन एंड जो केस है उसके बारे में पहले बात करेंगे। केस का डिजाइन ओप्पो एनको 2 का मुझे बेटर लगा ओनली फॉर वन रीजन, कि ज्यादा पॉकेटेबल है। सिंस इट्स सर्कुलर इन शेप तो सरफेस एरिया सर्कल का कम है तो ऑब्वियसली पॉकेट में सीमलेसली फिट हो जाता है। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे निर्वाणा आयोन मच बेटर है। लुक एंड फील बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है निर्वाणा आयोन की। जस्ट एक ही रीजन है, निर्वाणा आयोन का जो केस है वो हल्का सा बड़ा है, इसी वजह से मुझे इनको वर्स 2 का जो केस है वो ज्यादा बेटर लगा। वरना दोनों ही मैट फिनिश में आते हैं, काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं दोनों के दोनों। टाइप सी पोर्ट दोनों में है एंड एलईडी इंडिकेटर भी मिल जाता है। अब TWS की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे निर्वाणा आयोन ना सिर्फ अच्छे दिखते हैं, अच्छे फील भी होते हैं एंड मुझे ओवरऑल लुक एंड डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आया रिलेटिवली देन ओप्पो एनको वर्स 2 काफी मिनिमल है बट प्लास्टिक ही फील होता है। ऑन द अदर हैंड निर्वाणा आयोन थोड़े नए डिजाइन के साथ आते हैं, थोड़े बेटर दिखते हैं एंड फील भी होते हैं। IPX4 की रेटिंग एंड 10mm के ड्राइवर्स दोनों ही TWS में मिल जाते हैं आपको, लेकिन वियर डिटेक्शन आपको यहाँ पे निर्वाणा आयोन में मिलता है जो कि एक बढ़िया फीचर है टू एनहांस द यूजर एक्सपीरियंस। मगर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। कान में जब ये लगे होते हैं तब अगर हल्के से भी ये ढीले हुए तो जो सॉन्ग है या फिर जो वीडियो है वो पॉज हो जाता है एंड ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है एंड इसी एक रीजन की वजह से जिम वाले लोगों को मैं ये TWS सजेस्ट नहीं कर सकता। ऑन दी अदर हैंड जो ओप्पो एनको बड्स हुए हैं उनमें वेयर डिटेक्शन तो है नहीं एंड फिट भी वो मुझे ज्यादा बेटर वे में होता है। लेकिन ये जो फिट एंड कम्फर्ट का मामला है बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है। आपको दोनों में से कोई भी TWS बेटर वे में फिट हो सकते हैं या तो दोनों के दोनों बेटर वे में फिट हो सकते हैं। टस्ट जेस्चर्स की यहाँ पे बात करूँ तो काफी स्मूथ हैं, काफी एक्यूरेट हैं दोनों ही TWS के टस्ट जेस्चर एंड वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है अलोंग विद बेसिक टस्ट जेस्चर्स। लेकिन यहाँ पे एक फायदा इनको वर्स 2 के पास है, दैट इज ऐप सपोर्ट। हे मेलेडी नाम का जो ऐप है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, उस ऐप के थ्रू जो टस्ट जेस्चर्स हैं इनको वर्स 2 में उनको कस्टमाइज कर सकते हो एंड ये सेम सुख सुविधा आपको बोट निर्वाणा आयोन में नहीं मिलती है। जबकि बोट ने ऐलान किया था कि काफी ज्यादा प्रीमियम TWS है, प्रीमियम बस के साथ आपको एक ऐप सपोर्ट बेसिकली मिलना चाहिए था, लेकिन ये वाला जो इशू इतना बड़ा नहीं है क्योंकि फ्यूचर में डेफिनेटली अपडेट के थ्रू इन TWS में ये फिक्स किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। ब्लूटूथ 5.2 दोनों ही TWS में मिल जाते हैं, कोई भी चौपीनेस टटर या फिर लैग बिल्कुल महसूस नहीं हुआ दोनों ही TWS को यूज करते हुए। रेंज भी दोनों की मोर ऑर लेस सेम थी एंड बढ़िया थी, कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम दोनों में डुअल पेयरिंग नहीं मिलता है एंड यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो बोट है वो डुअल पेयरिंग दे देगा क्योंकि दीज आर प्रीमियम TWS, बट बोट ने डुअल पेयरिंग नहीं दिया है। बाय द वे दोनों में AAC कोडेक मिल जाता है एंड मोनो मोड का सपोर्ट भी मिल जाता है। एंड दोस्तों प्लीज अगर यहाँ तक वीडियो देख चुके हो एक लाइक एक सब्सक्राइब, ये संवाददाता कैमरामैन ADP का दिन बना देगा। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। हालांकि दोनों में 10mm के ड्राइवर्स हैं बट अलग अलग तरीके से ट्यून किए गए। जो निर्वाणा आयोन है उसमें आपको क्रिस्टल बायोनिक साउंड मिल जाता है, बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है हमेशा एंड दो EQ मोड्स हैं, एक है सिग्नेचर मोड एंड दूसरा है बैलेंस मोड। बैलेंस मोड मुझे ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि उसमें ट्रेबल वोकल्स एंड बेस तीनों ही काफी बढ़िया है, काफी क्रिस्प है, काफी क्लीन है एंड जो बेस है वो भी ज्यादा थम्पी एंड टाइट लगा। लेकिन जो सिग्नेचर मोड है उसमें ऑब्वियसली बोट ने वही हरकत की है, बेस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है एंड वो इतना ज्यादा टाइट नहीं है, बस मडी बेस सुनाई देता है एंड उसके साथ साथ जो ट्रेबल है एंड जो वोकल्स हैं वो काफी ज्यादा एम्पलीफाइड सुनाई देते हैं। सो बैलेंस मोड में म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही बढ़िया, टॉप नॉच है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन बेस मोड हल्का सा और बेटर हो सकता था। अब अगर मैं बात करूँ इनको बड्स 2 के बारे में, सो ये थोड़े अलग तरीके से ट्यून किए गए एंड काफी ज्यादा उमदा ट्यून किए गए हैं भाई। मतलब जो ऑडियो क्वालिटी है मैं बोलूंगा 2000 रुपए में बेस्ट है। अगर आपको सिर्फ TWS चाहिए ऑडियो क्वालिटी के लिए देन इनको आप खरीद सकते हो बेझिझक। इनमें भी अलग अलग EQ मोड्स मिल जाते हैं जो आप हे मेलेडी ऐप के थ्रू ट्वीक कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इनमें भी आपको बेस मोड मिल जाता है जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बेस प्रोवाइड करता है। बाकी जो मोड्स हैं उनमें आपको क्लियर क्रिस्प वोकल्स एंड ट्रेबल मिल जाता है एंड बेस भी ठीक ठाक मिलता है, बट बेस मोड में इनका बेस बहुत ही ज्यादा थम्पी एंड रंबलिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड यही बोलूंगा ओप्पो एनको वर्स 2 डेफिनेटली ऑडियो के मामले में बेटर है देन बोट निर्वाणा आयोन। लेटेंसी की अगर बात करूं तो यहाँ पे मुझे निर्वाणा आयोन बेटर लगे। बीस्ट मोड में 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिल जाती है एंड गेमिंग के दौरान ओवरऑल एक्सपीरियंस भी मुझे ज्यादा अच्छा लगा इनमें देन ओप्पो एनको वर्स 2 जिनमें आपको गेमिंग मोड में 80 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलती है। अब बात करते हैं कॉलिंग की। हैंड्स डाउन निर्वाणा आयोन में बेटर कॉलिंग मिलती है आपको देन एनको वर्स 2 एंड इनको वर्स 2 में कभी भी अच्छी कॉलिंग थी ही नहीं स्टार्टिंग से, ना अपडेट्स के बाद हुई,
तो यही बोलूंगा, निर्वाना आयोन बेटर है कॉलिंग के लिए। सो अगर आपको कॉलिंग के लिए इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, आप निर्वाना आयोन चूज कर सकते हो। बोथ इंडोर्स एंड आउटडोर कंडीशन में निर्वाना आयोन बेटर कॉलिंग प्रोवाइड करवाते हैं देन ओपन को बर्स्ट टू। ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग जो मैंने रिसीवर के एंड पे रिकॉर्ड कराई है, सो दैट आपको बेटर आइडिया लग सके कि जब आप किससे बात कर रहे हो तो उनको आपकी आवाज कितने अच्छे से सुनाई देती है। हाय, सो अभी जो TWS में यूज कर रहा हूँ, दीज आर बोथ निर्वाना आयोन, जस्ट अभी हाल ही में लॉन्च हुए हैं ये और प्रीमियम सेगमेंट में लॉन्च हुए हैं बोथ के द्वारा। अभी मैं अपने रूम में हूँ, इंडोर कंडीशन है बेसिकली एंड बैकग्राउंड में कोई भी शोर शराबा कुछ नहीं, एकदम शांत है एनवायरमेंट। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई देती है? तो अभी मैंने फैन फुल स्पीड पे ऑन कर दिया है और एकदम मतलब फुल स्पीड पे चल रहा है मेरा सीलिंग फैन, फैन के एकदम नीचे खड़ा हूँ मैं और कंडीशन तो इंडोर की है, बैकग्राउंड में शोर शराबा नहीं है। तो अभी तुझे मेरी आवाज कितने अच्छे से सुनाई? एक बार अब मैं ट्रैफिक की नॉइज ऐड करता हूँ। तो मैंने अभी ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दिया बैकग्राउंड में और कंडीशन तो इंडोर ही है, बट मैंने लैपटॉप के स्पीकर से अभी ट्रैफिक की आवाज लगा दी। तो तुझे अभी मेरी आवाज कितनी क्लियरली सुनाई दे रही है? आई स्टिल एबल टू मेक आउट मैं क्या बोल रहा हूँ या फिर जो ट्रैफिक की नॉइज है वो मेरी आवाज को ओवर पावर कर दी? तो ईयरफोन टेस्टिंग टुडे इज ओप्पो एनको बड्स 2 रिलीज है हाल ही में एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ, इंडोर कंडीशन में, बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज नहीं है, एकदम शांत एनवायरनमेंट है। तो तुझे अभी मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही? अभी जो है मैंने फैन ऑन कर दिया है और सेम एनवायरनमेंट में हूँ, बस फैन ऑन कर दिया। तो अभी तुझे मेरी आवाज कैसे सुनाई दे रही है? क्या फैन की आवाज जो है वो ओवर पावर कर रही है या मेरी आवाज अभी भी ऑडिबल? हेलो, तो अभी बैकग्राउंड में मैंने ट्रैफिक की नॉइज ऐड कर दी है एंड तो अभी मेरी आवाज जो कैसे सुनाई दे रही है? क्या ट्रैफिक की जो आवाज है वो ओवर पावर है या बैटरी बैकअप में निर्वाना आयोन वे अहेड है, लाइट ईयर्स अहेड है। मतलब सिंगल चार्ज में 24 घंटे तक की बैटरी बैकअप क्लेम करती है कंपनी, 24 घंटे की बैटरी बैकअप TWS में, नेक बैंड नहीं है। सोचो आप कितनी ज्यादा बैटरी बैकअप है एंड मैंने एट ए स्ट्रेच इनको 3 से 4.5 घंटे तक यूज किया एंड 100% में से 95% पे गई है। बहुत ही कमाल की बैटरी बैकअप है, मतलब काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ मैं। और इन TWS को केस के अंदर आप 4 बार चार्ज कर सकते हो, फिर केस की जो बैटरी है वो खलास हो जाएगी एंड केस को कम्प्लीटली चार्ज करने में आपको ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के करीब लग जाता है एंड जो TWS है उनको केस के अंदर चार्ज करने में आपको 1 घंटे के करीब लगता है। एंड वहीं पे जो एनको बड्स 2 है उनमें ऑलमोस्ट आपको 6 घंटे तक की बैटरी बैकअप मिल जाती है, विच इज क्वाइट गुड, बट रिलेटिवली नीचे है ये निर्वाना आयोन से, काफी नीचे है टू बी प्रिसाइज। एंड इन TWS को भी आप केस में 4 बार चार्ज कर सकते हो, केस को पूरा चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं एंड जो TWS है उनको केस के अंदर चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे लग जाते हैं। सो फाइनल सवाल, इन दोनों में से कौन सा वाला TWS आपको खरीदना चाहिए? देखो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एंड ज्यादा वर्सेटाइल TWS पर बोलूंगा निर्वाना आयोन है, बट एट द सेम टाइम 2 चीजों का ध्यान जरूर रखना। पहली चीज, ऐप सपोर्ट नहीं है। दूसरी चीज जो मैंने इशू बताई थी कि इनमें जो वेट डिटेक्शन है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, काफी ज्यादा इरिटेटिंग है। सो वैल्यू फॉर मनी तो डेफिनेटली ये TWS है बट एट द सेम टाइम इन 2 इशू के साथ आते हैं। एंड एक चीज मैं बहुत ही क्लियरली बता दूं, बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि हमको तो भाई बेस्ट ऑडियो चाहिए सिर्फ और कोई चीज से हमको लेना देना नहीं है। तो बेस्ट ऑडियो के लिए ओपन को बड्स 2 2000 रुपए में बहुत ही बढ़िया है, इन दोनों में भी बेस्ट ओपन को बड्स 2 है ऑडियो के मामले में। सो दोस्तों यही था पूरा कंपैरिजन वीडियो, सारी चीजें डिटेल्स में मैंने समझा दी। आई होप आप लोगों का और कोई सवाल रह नहीं गया हो, तभी अगर कुछ बच गया है तो आप कमेंट कर सकते हो और अगर आपको बस ऐसे ही कुछ बातें करनी है तो भी आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। ओवर एंड आउट।